बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 23 अक्टूबर है साल 2020। तीन बड़ी अहम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इमरान खान और जनरल बाजवा का बदमाशिया के खिलाफ एक बड़ा फैसला और फाइनल जंग का आगाज। कैप्टन रिटायर सफदर का कोर्ट मार्शल के हवाले से गर्दश करती हुई खबरों की हकीकत। जस्टिस काजी फैज ईसा केस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी तफसीली फैसला। सबसे पहले हम जस्टिस काजी फैज ईसा के फैसले की बात करते हैं। लंदन में जस्टिस काजी फैज ईसा की एहलिया और बच्चों के नाम तीन प्रॉपर्टीज का मामला है। एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजा गया, जिसको बाद अदा जस्टिस काजी फैज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। अब मामला यही था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा गया और जो जस्टिस काजी फैज ईसा हैं उन्होंने अपने एसेट्स के अंदर या उनकी एहलिया ने अपने एसेट्स के अंदर ये रकम जाहिर नहीं की। मुबैना तौर पर ये मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है और इतने वसायल उनके कहां से आए, ये मामला था। जस्टिस काजी फैज ईसा ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज किया, 10 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। 7 रुकनी बेंच ने कसरत राय से फैसला दिया, जिसका आज तफसीली फैसला जारी किया गया 4 महीने के बाद। और एक जो जस्टिस फैसल अरब है उन्होंने इजाफी नोट लिखा, जस्टिस याह्या अफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस तरह अपोजिशन चाय की प्याली के अंदर इस फैसले के हवाले से तूफान बर्पा करने की कोशिश कर रही है, ये बड़ी एक नाजायज बात है। और आप देखिए कि जिस तरह हामद मीर गरीदा फारूकी और तबका मलामतिया के तमाम सहाफी और साथ ही मरियम सफदर और नवाज शरीफ और इस तरह के दीगर लोग आसफ जरदारी तक जाग गए कि ये बड़ा रेफरेंडम है, अब शहजाद अकबर वजीर आजम और सदर पाकिस्तान को इस्तीफा दे देना चाहिए और जिसके अंदर जो है वो आप बड़ा ये गलत आपने किया, गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया गया। हालांकि ये तफसीली फैसले की बजाय जब इख्तसार के साथ ये फैसला आया था तो ये बात कर दी गई थी कि ये कलदम करार दे दिया गया। मामला ये है कि ये क्या हुकूमत की इसके अंदर बदनीयती साबित है या नहीं। इस हवाले से फैसले के अंदर कैटागोरिकली लिखा गया है कि इस रेफरेंस के अंदर मुबैना तौर पर हुकूमत की बादी नजर में कोई भी मैला फायदे नहीं है, बदनीयती साबित नहीं हुई। इस वजह से इसकी 11 वजूहात जो फैसले के अंदर दी गई हैं उनके मुताबिक ये टेक्निकल कुछ ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से इसको कलदम करार दिया गया है। उसमें एक वजह 11 वजूहात मैं तफसील से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से ये सुन चुके होंगे, मेरे पास अगरचे इसकी तमाम तफसीलात मौजूद है। अब वो इस टेक्निकल ग्राउंड्स क्या है कि ये वजीर कानून को नहीं बल्कि सदर और वजीर आजम को इसको अप्रूव करना चाहिए था। इसके साथ ही टैक्स आर्डिनेंस है उसका सेक्शन 116(1) की बात की गई है, उसको फॉलो नहीं किया गया। सदर ममलकत के हवाले से 3-4 नुकात हैं और फिर फरदोस आशक अवान के हवाले से एक नुकता है कि उनकी जबान तोहीन अमेज थी, उनके खिलाफ कार्रवाई मुमकिन है आगे बढ़े। अब एहलिया और बच्चों का मामला था ना, तो अभी तक मनी ट्रेल आई है। फिर जो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है वो बड़ा वादे है, ये वजूहात दे दी, हुकूमत की बदनीयती साबित नहीं, एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो जायज है, वजीर आजम का वो अख्तियार है, ये सारी बातें तो हुकूमत की फेवर में जा रही हैं। और दूसरी बात जो है वो यही है कि उनको FBR की तरफ भेज दिया गया, 60 दिन का टाइम दिया गया। FBR के तहत अगर उनके प्रॉपर तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग प्रूव होती है, वो अपने जो एसेट्स हैं वो प्रॉपर जाहिर नहीं कर सकते, तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ ये मामला रेफर हो जाएगा। तो ये एक चाय की प्याली के अंदर एक ऐसा तूफान बर्पा करने की कोशिश की जा रही है कि वो जो पूरा मामला है उसको ये चंद करप्ट अपोजिशन अलीट और उनके वदीफा खोर सहाफी जानबूझकर आवाम को गुमराह करने के लिए वो पॉइंट्स ला रहे हैं। हालांकि ये जितनी वजूहात हैं ये बेसिकली मैला फायदे नहीं बल्कि वो कहते हैं बदनिजती तो हुकूमत की इससे साबित नहीं हुई और एजेंसीज का और फौज का कोई रोल, जो काजी फैज ईसा जिस तरह ISI को बदनाम कर रहे थे, फैज जिस तरह फैजाबाद धरने को बुनियाद बनाया जा रहा था, उन्होंने कहा इस तरह की कोई बात काजी फैज ईसा इस रेफरेंस के अंदर इस दरखास्त के अंदर प्रूव नहीं कर सके। तो जो असल में इस्तदा थी जस्टिस काजी फैज ईसा की वो अप्रूव नहीं हुई। अब ये है कि टेक्निकल ग्राउंड पर इसको जो है वो कलदम करार दे दिया गया था, आज उसकी तफसीली फैसला है। और ये जैसे नायल लोग, वही सुप्रीम कोर्ट जब इनके खिलाफ नायल बोलती है तो उसको नहीं मानते, खिलाफ निकलते हैं। और ये अगर इस तरह की एक छोटी सी कमेंट भी आ जाता है, रिमार्क्स भी आ जाते हैं, तो उसको एक बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। अब एक और मामला बड़ा अजीब है और वो ये कि जो आमर मतीन है सीनियर सहाफी, उन्होंने एक दावा किया है और उसके अंदर
आईनी मैरीन इस पर बात भी कर रहे हैं कि जो कैप्टन रिटायर सफदर हैं, जिस तरह अपोजिशन जमातें यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी आईजी सिंध वो डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जो कैप्टन रिटायर सफदर की गिरफ्तारी हुई, वहां पर नारेबाजी हुई, उसके बाद होटल के अंदर जो है वो जो मामला हुआ, इस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए। वो कहते हैं कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाता है, अब चूंकि इस मामले को ले लिया है जनरल कमर जावेद बाजवा ने, तो अगर आप जुडिशियल कमीशन बनता है इसके बाद, तो ये जो कैप्टन रिटायर सफदर है, ये चूंकि कैप्टन रिटायर है फौज का, तो इसका मामला जो है वो कोर्ट मार्शल की तरफ जाएगा और इसका जो ट्रायल है वो आर्मी जो है अपने जो प्रोसीजर है जो जवाबत है उसके उसके तहत होगा। तो ये उल्टा जो है वो आप समझते हैं कि फंसते जाएंगे, और इस तरह मामला अगर उस तरह बढ़ता है तो कैप्टन रिटायर सफदर का बचना नामुमकिन हो जाएगा, और श्री माफिया के लिए ये एक ऐसी जिल्लत की अलामत बन जाएगी कि वो जैसे कहते हैं कि मारने गए थे और मार खा के वापस आ गए, तो इनके लिए ये मामला जो है वो बन सकता है। इसलिए अब जो शरीफ माफिया है वो इसके अंदर उस तरह का उनका नहीं रहा मामला, बल्कि थोड़ा हल्का होना शुरू हो गए हैं। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मसनूई तौर पर जो थोड़ी बहुत बयानबाजी है वो तो कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कि ताकि ज्यादा फंस ना जाए और मजीद जो है वो फंसने के बाद हमारी जिल्लत और रुसवाई ना हो। तो ये कैप्टन रिटायर सफदर का कोर्ट मार्शल हो सकता है, लेकिन ये हतमी बात नहीं है, ये एक राय है। लेकिन कोर्ट मार्शल करने के लिए जाहिर है इनके और कुछ इस तरह के करतूत वादे तौर पर अगर आएंगे जिसका ताल्लुक आर्मी से हो, क्योंकि वो आर्मी के खिलाफ नारेबाजी करते जा रहे हैं, अगर मजीद कभी वो इस तरह मामले के अंदर फंसेंगे तो फिर उनको फंसा दिया जाएगा और कोर्ट मार्शल के जरिए उनको एक बड़ी सजा हो सकती है। अब मामला एक और बड़ा क्लियर है जो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तर्जमानों हुकूमती तर्जमानों की मीटिंग की और फिर जो एक इंटरव्यू दिया उसके अंदर एक बड़ी आम चीज की एक आम बात की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और अब उन्होंने कहा कि एक तो जितने अपोजिशन लीडर वो मिले हैं आर्मी चीफ से, आर्मी चीफ कमर बाजवा मुझे बताते थे, लिहाजा मेरे इल्म में होता था, लेकिन मेरी राय है उनको नहीं मिलना चाहिए था, जब इस तरह का फौज मुखालफ उनका बयान ही है तो उनको नहीं मिलना चाहिए था। दूसरा उन्होंने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया जिसके अंदर भारत और इसराइल इन अपोजिशन के पीछे है और उसकी छतरी के तले ये बेसिकली हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और सबसे जो बड़ी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि देखो मुल्क जिस तरह कर्जों में डूबा हुआ था, ये चोर डाकू लुटेरे जिस तरह इन्होंने इसको मकरूज किया, हर चीज जो बिजली के और जो गैस है तमाम मुआदे ये अपनी हुकूमतों में करके गए। अब जब इनका कर्ज था तो उस वक्त $2.5 अरब सालाना किस्त देनी पड़ती थी, लेकिन आज $10 अरब किस्त देनी पड़ती है। तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन ये बदमाशिया खुद बजाय इसके कि शर्मिंदा होता और लूटी हुई दौलत वापस होती, लेकिन इस निजाम की कमजोरी है कि ये रकम वापस हम नहीं ले सके और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो मिसाल है इनकी जो दंदराते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बात जो है वो ये आज उन्होंने इंदिया नहीं दिया बल्कि वादे किया कि मैं और जनरल कमर बाजवा, पहले तो वो कहते थे फौज और हुकूमत एक पेज पर है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन आज उन्होंने बात की है कि जनरल बाजवा और मैं, हम दोनों ने फैसला किया है कि ये करप्शन और चोर बाजारी खत्म करेंगे। ये बड़ी ही आम स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है। इस हवाले से पता चलता है कि अब अगला जो मामला है उसके अंदर ये दोनों एक पेज पर अगर हो जाते हैं, और इसी तरह जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अनाउंसमेंट की कि जल्दी फैसले कीजिए, उधर से चेयरमैन नैब एक्टिव हुए और उन्होंने कहा हम खुश हैं, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब भी दिया कि हम चाहते हैं कि हाँ ये अच्छा फैसला है, हम रोजाना के बुनियाद पर ट्रायल करते हैं। तो अगर ये चार अफराद जिस तरह मैंने रात को भी एक वीडियो में जिक्र किया था, तो अब आज वादे तौर पर इस पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम एक पेज पर हैं और हमने फैसला किया है कि इन चोरों डाकुओं लुटेरों से इस मुल्क को पाक करना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि या तो रियासत पाकिस्तान बचेगी या ये चोर और डाकू बचेंगे और मुझे अवाम की हमायत की जरूरत है। ये बात उन्होंने कहा जरूर है कि जब खाली गारो मकरूज गार छोड़कर कोई बंदा चला जाए और उसकी जगह पर नए बंदे की जिम्मेदारी हो, तो उसने कई दफा रोज मटन चिकन वो घर में नहीं पकेगा, आपको फाके भी करने पड़ेंगे, दाल भी खानी पड़ेगी और सब्जी भी
खानी पड़ेगी, अगरचे ये दोनों भी महंगी है, तो लेकर कुछ ना कुछ गुजारा करना पड़ेगा ताकि वो कर्जे उतारे जा सकें। अब असल में यही पाकिस्तान के हालात थे, जो असल हालात हैं, बाकी जो कुछ उन्होंने किया हुआ था वो मसनू था। और जिस तरह आज एक तफसीली रिपोर्ट जारी हुई है बिजली के हवाले से, जो फर्नस ऑयल की फी यूनिट तकरीबन 37 रुपए पड़ते हैं, इसी तरह जो विंड पावर से बिजली है, क्या क्या वायदे किए गए हैं, वो हुकूमत मजीद सब्सिडी देकर अभी कम जो है वो पाकिस्तान की आवाम को दे रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर ये मिल जाते हैं और पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर ये मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं तो इस निज़ाम को बदला जा सकता है। और ये चोर डाकू लुटेरे जब तक आज़ाद दंदनाते फिरते हैं, पाकिस्तान की रियासत कोई मुस्तकबिल नहीं है। और आम सादा लोग जो बिल्कुल मेंटली अपसेट होते हैं, वो फिर भी इनको मसीहा समझने लग पड़ते हैं, वो समझ रहे हैं। और जो इस वक्त तक फौज के अंदर एक बगावत की कोशिश की जा रही है और अदलिया और फौज को और आवाम को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको नाकाम करने के लिए उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है। और आज मुझे, मैं समझता हूँ, काफ़ी हद तक क्लियर किया है उन्होंने कि ये करप्शन जो ख़त्म करने का प्लान है, ये मुश्तरका प्लान है, यही जो है वो पाकिस्तानी कौम चाहती है। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नई वीडियो के साथ, नई वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।